हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। यदि ये न्यूमेरिकल आपके काम के हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें, जिससे आपके डाउट एंड कंसेप्ट क्लियर हो सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जब भी हम इसी तरह के वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज के वीडियो में हम टोटल 2 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं, जिसमें कि पहले न्यूमेरिकल को समझाना मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है। लिखा हुआ है अ मशीन वर्किंग ऑन अ कार्नोट साइकिल, एक मशीन है जो कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रही है। आगे लिखा है ऑपरेट्स बिटवीन 305 के एंड 260 के, मतलब टेम्परेचर की रेंज दी गई है 305 केल्विन एंड 260 केल्विन। आगे दिया है डिटरमाइन द सीओपी, हमें सीओपी निकालना है, इसका फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आगे लिखा हुआ व्हेन इट इज द ऑपरेट्स, और जो सीओपी निकालना है किस किस की निकालना है, रेफ्रिजरेटिंग मशीन की निकालना है, हीट पंप की निकालना है एंड हीट इंजन की निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं तो उसको समझने के बाद जो डाटा गिवन है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ डाटा गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन लिखने के बाद जो डाटा गिवन है, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर की रेंज गिवन है, हम हमेशा जो भी अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से दिया रहता है, जब जो टेम्परेचर अधिक रहता है उसको हम T1 से डिनोटेट करते हैं। वो यहाँ पर दिया 305 केल्विन, और जो जिसका टेम्परेचर कम होता है, जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है उसको हम T2 से डिनोटेट करते हैं। तो दिया हुआ 260 केल्विन। ये क्यों करते हैं, अभी जब भी हम रेफ्रिजरेशन साइकिल समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखें, जो यहाँ पर हम टेम्परेचर लेते हैं उनको हमेशा केल्विन में लेते हैं, यदि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में गिवन होता तो उसको हम केल्विन में चेंज कर लेते 273 का प्लस करके, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी केल्विन में गिवन है तो उनको डायरेक्ट रख लेते हैं। अब वन बाई वन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेफ्रिजरेशन मशीन की सीओपी निकालना है, उसके बाद हीट पंप की निकालेंगे और हीट इंजन की निकालेंगे। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन की बात कर लेते हैं, इसकी साइकिल समझ लेते हैं और इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम सीओपी निकाला है रेफ्रिजरेटर मशीन की, तो रेफ्रिजरेशन की साइकिल है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं और उसके यहाँ पर फॉर्मूले लिखे समझ लेते हैं, जो कि अलग अलग बुक में मैंने बताया अलग अलग टाइप से समझाया गया। यहाँ पर जो हम समझाते हैं या जो भी हमने बुक से पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जिस बॉडी को हमें मेंटेन करना उसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, या जिस बॉडी का टेम्परेचर कम रखना है उसको क्या मान लिया मैंने T2, उसका टेम्परेचर कितना मान लिया T2, और जो एटमॉस्फेयर है जहां पर हम हीट को रिजेक्ट करना है उसको टेम्परेचर क्या मान लिया मैंने T1 मान लिया। यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है जिस पर हम वर्क डन कर रहे, जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसके थ्रू, तो यहाँ पर वर्क डन इसकी ओर एरो दिखा दिया। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि मान लो ये जो बॉडी है, यहाँ पर लिखा बॉडी है टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर कम करना है, तो इससे हम क्या करते हैं हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब हीट को खींचते हैं। तो हमने हीट को किस रूप में खींचा, Q2 के रूप में खींचा, और हीट को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट किसके रूप में किया, Q1 के रूप में किया। तो Q2 को हमने क्या किया, जो जिसका टेम्परेचर कम था उसी से हमने क्या किया और हीट को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब खींचा, और हमने बाहर कहाँ किया एटमॉस्फेयर में कर दिया Q1 के रूप में। अब इस तरह हम क्या निकालते हैं, इसका वर्क डन निकालते हैं कि टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = Q1 - Q2। Q1 क्या है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो भी हमारी हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसकी हीट है, और Q2 क्या है, जिस बॉडी से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वह हीट होती है। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर सेकेंड या किलो जूल पर मिनट या किलो जूल पर आवर्स, जिस तरह न्यूमेरिकल में गिवन हो। अब इस तरह हम जो सीओपी निकालते हैं, तो सीओपी का फॉर्मूला होता है जो भी हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है या जो भी हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वह ऊपर रहती है, जिस बॉडी को हमें मेंटेन करना है उससे हम जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वह ऊपर रहती है, और नीचे क्या रहता है वर्क डन रहता है, जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं। इस तरह Q2 जहां से हीट एक्सट्रैक्ट कहां से कर रहा है, यहां से कर रहा है इस बॉडी से, यहां का टेम्परेचर कितना है T2, उसके लिए हम क्या रख देंगे T2 रख देंगे। वर्क डन क्या होता है Q1 - Q2, Q1 वाली बॉडी जहां पर हम हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है T1 है, तो उसकी जगह हमने T1 रख दिया और Q2 की जगह हमने T2 रख दिया। तो इस तरह हम टेम्परेचर के रूप में क्या निकाल सकते हैं सीओपी रेफ्रिजरेटर की। ये यहाँ पर T1 T2 जो भी गिवन है इनको हमेशा केल्विन में लेते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 273 का प्लस करके हम केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो
इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, जो रेफ्रिजरेटर है उसकी सीओपी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाटा डायरेक्ट गिवन है, इसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन दिखाई गई, यहाँ पर देख रहा हूँ डायरेक्ट हमने फॉर्मूला रख दिया। याद रखें हमेशा जब भी हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो जिस बॉडी को हमें ठंडा करना है उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं और जो वर्क डन है वो हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, क्या याद रहेगा, जिस बॉडी को हमें मेंटेन करना है वहां से जो भी हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे या उस बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसको ऊपर रखेंगे। बटे में क्या करते हैं, जो वर्क डन रहता है उसको बटे में करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी जगह में जो भी यहाँ टेम्परेचर गिवन है उसको डाटा यहाँ पर पुट कर दिया, उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, तो जो सीओपी है रेफ्रिजरेटर की कितनी आई हुई है, 5.7, तो ये आंसर आ गया। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, हीट पंप की सीओपी निकालेंगे। तो हम अब क्या निकाला है, सीओपी हीट पंप की। तो यहाँ पर एक साइकिल बनाई हुई है, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। एक हीट पंप लगा हुआ है, हीट पंप क्या करता है, किसी बॉडी को गर्म करने का, कोई रूम को गर्म करने का काम करता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लिया हमने जो बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसी को और हीट सप्लाई करते हैं जिससे वह ज्यादा से ज्यादा गर्म कर सके। तो यहाँ पर जो T1 वाली बॉडी है, यहाँ पर दिख रही होगी, ये हमारी कौन सी है, हायर टेम्परेचर बॉडी है जिसको हमें मेंटेन करना है और गर्म करके रखना है। ये नीचे है लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी जिससे हमें हीट को और एक्सट्रैक्ट करना है और कहाँ पर जिस रूम को हमें गर्म करना है, जिस बॉडी को गर्म करना है उसकी ओर और हीट को सप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर माना हुआ है कि Q2 हीट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो भी एटमोसफेयर से, और जिस बॉडी को हमें मेंटेन करना है वहां पर हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम किस बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, जिस बॉडी को हम मेंटेन कर रहे हैं उसको हम हमेशा सीओपी में कहाँ लिखते हैं, ऊपर की ओर लिखते हैं। तो हम किस बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, जिस बॉडी का टेम्परेचर हायर है उस बॉडी को हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने Q1 क्या लिखा हुआ है, इसलिए ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि हम जो यहाँ पर जिस बॉडी का टेम्परेचर हायर है उसको हम कौन सी हीट सप्लाई कर रहे हैं, Q1 हीट सप्लाई कर रहे हैं। बाहर से हम कौन सी अपशक्त कौन सी ला रहे हैं, Q2 के रूप में ला रहे हैं, जो किसके लिए लिखते हैं, हम जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पर जिस बॉडी को मेंटेन कर रहा है उसको हम ऊपर लिख देंगे, जो यहाँ पर जो बॉडी दिख रही है जिसका हायर टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन कर रहा है और उससे गर्म करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको हमने क्या मान लिया, Q1 मान लिया, तो उसका टेम्परेचर कितना है, T1 है, तो यहाँ पर हमने T1 लिख दिया है। जबकि जो वर्क डन है यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, तो Q1 माइनस Q2 है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस Q2। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिए, इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो कैलकुलेशन में बताइए डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया, T1 T2 की जो वैल्यू है वह यहाँ पर पुट कर दिए, इसको कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट किया तो 6.78 इसका आंसर आ गया। ये मैं फिर से बता दूं, सीओपी कोई भी यूनिट नहीं होती है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ऊपर भी केल्विन में है नीचे भी केल्विन में है, दोनों ही केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो सेकंड वाला भी आपको आंसर मिल गया होगा। अब हीट इंजन की बात करते हैं कि हीट इंजन की सीओपी कैसे निकालेंगे, तो इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हीट इंजन की साइकिल है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, जो हायर टेम्परेचर या रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर हमने T1 मान लिया, जो एटमोसफेयर है जो लो टेम्परेचर है उसको हमने रिजर्वायर सिंक मान लिया, उसका टेम्परेचर T2 मान लिया, बीच में एक इंजन लगा हुआ है। इंजन को हम जो हीट सप्लाई करते हुए हमेशा क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर से करते हैं जिस हीट का टेम्परेचर अधिक होता है। तो हमने T1 जो रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर हाई है वहां से हमने हीट को सप्लाई किया, किसमें, इंजन के लिए। अब इंजन क्या करता है, 100% जो भी हम हीट देते हैं उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है, कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट करता है। तो उसने Q2 के रूप में ये जो हमारा एटमोसफेयर है उसमें हीट को रिजेक्ट किया, जिसे हम बोलते हैं रिजर्वायर सिंक, और लो टेम्परेचर पर, क्योंकि जो हाई जो जिस जहाँ से हम हीट को सप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर अधिक होता है जबकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है। तो हमने जो हीट रिजेक्ट की वह कहाँ पर की, जो हमारा टेम्परेचर इस बॉडी का या जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है। तो Q1 जो हमारी हीट आई हुआ है कहाँ से आई है, हायर टेम्परेचर से, और Q2 जो हीट हमने रिजेक्ट की हुआ है कहाँ की, लोअर टेम्परेचर पर। इस तरह इसका जो हम वर्कडन निकालते हैं तो वह क्या निकालता है, W=Q1 - Q2। इस तरह जो हमने इंजन की क्या निकालते हैं, हम हमेशा इफिशियंसी के रूप में निकालते हैं, क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वर्क डन ऊपर लिख दिया और हीट सप्लाई नीचे लिख दी। हीट सप्लाई क्या है, Q1 है, जो कि हम हायर टेम्परेचर से इंजन को सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है Q1 - Q2 होता है, तो उसको टेम्परेचर के रूप में हमने क्या लिख दिया, T1 - T2, और बटे में Q1 क्या है, तो उसकी जो टेम्परेचर कितना है, T1, तो उसको नीचे T1 लिख दिया। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में डायरेक्ट जो भी T1 T2 की वैल्यू गिवन है
उसको रख देंगे और इसकी सीओपी या एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन, जो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला रख दिया उसमें वैल्यू पुट कर दी यहाँ टी वन टी टू की और ये आंसर निकाल लिया कैलकुलेटर से। इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 में एफिशिएंसी के रूप में आ जाएगी, लेकिन सीओपी के रूप में पूछा तो डायरेक्ट ऐसा ही लिख देंगे। तो ये न्यूमेरिकल इस तरह कंप्लीट हो जाता है, तीनों ही वैल्यू कैसे निकालते हैं और साइकिल को मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसी तरह का एक न्यूमेरिकल और है उसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा हो, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है। द हायर टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द, जो हायर टेम्परेचर दिया है रेफ्रिजरेंट का वह 35 डिग्री सेल्सियस दिया है एंड लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है -15 डिग्री सेल्सियस। आगे बोला है कैपेसिटी इज टू बी, तो कैपेसिटी दिए हुआ 12 टन्स दिए और डिटरमाइन करना है सीओपी निकालना है, हीट रिजेक्टेड निकालना है फ्रॉम द सिस्टम से और कैसे निकालना है पर आवर से निकालना है और पावर रिक्वायर्ड निकालना है। ये तीनों ही वर्ड निकालेंगे जो भी यहाँ डाटा पूछ रहा है। सबसे पहले जो भी हमारा सिस्टम होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कि हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे और यूनिट जो भी कन्वर्ट करना है उनको कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख लिया, यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे कि हायर टेम्परेचर रहता है उसको हम T1 मानते हैं, तो यहाँ T1 लिख के हमने 35 डिग्री सेल्सियस लिख दिया और हमें इसका टेम्परेचर केल्विन में लेती है तो 273 का प्लस कर दिया तो वह केल्विन में चेंज हो गया 308 केल्विन। इस तरह T2 हम लिखते हैं जिसका टेम्परेचर कम होता है तो ए -15 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में चेंज करना पड़ेगा तो मैंने 273 का प्लस कर दिया तो ये किस में चेंज हो गया केल्विन में 258 केल्विन, क्योंकि इस वैल्यू में से माइनस में तो ये घट गया या फिर माइनस हो गया तो 258 केल्विन बचा हुआ है। अब तीसरा दिया हुआ है जो यहाँ पर डाटा दिया है जो कैपेसिटी दी है टन, तो कैपेसिटी क्या होता है जो जितनी हीट एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब जितनी ज्यादा ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उसी को हम कैपेसिटी बोलते हैं। तो उसको अब हीट एक्सट्रैक्ट किस रूप में करता है Q2 के रूप में करता है, तो Q2 कितना दिया है 12 टन, जिसको हम TR से डिनोटेट करते हैं। टन को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा किलोजूल पर मिनट में, क्योंकि यहाँ पर पावर पूछ रहा है किलोजूल पर आवर्स में, क्योंकि लेकिन हमें यूनिट पता रहती है टन को हमें किलोजूल पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं 210 का मल्टीप्लाई करके। तो 12 टन में हमने 210 का मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज हो गया 2520 किलोजूल पर मिनट में। अब यहाँ पर ये चेंज होने के बाद क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी साइकिल में फिर से समझा सकता हूँ लेकिन ऑलरेडी रेफ्रिजरेशन की साइकिल अभी जस्ट ऊपर मैंने एक सीओपी निकालना बताया था उसकी साइकिल भी समझाई थी और सारे फॉर्मूले समझाए थे, तो वही यहाँ पर यूज होने वाले हैं। उनको कैसे यूज करना है इसमें ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें सीओपी निकालना है तो सीओपी को मैं फाइंड करता हूँ और उसकी वैल्यू बताता हूँ कितनी और कैसे आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने कैलकुलेशन करके रख दी, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसा मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि जो भी रेफ्रिजरेशन है उसकी सीओपी कैसे निकालते हैं, जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है उसी को हमें मेंटेन करना होता है, उससे ज्यादा से ज्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ज्यादा से ज्यादा हीट को खींचना पड़ता है। तो जिस हीट को हम जितने जिस रूप में मानते हैं, जैसे कई बुकों में Q1 माना तो कई बुकों में Q2 माना हुआ है, हमने यहाँ पर Q2 माना हुआ है। सीधा मतलब ये होता है कि जिस बॉडी को हमें मेंटेन करना, मतलब जो जिस बॉडी का टेम्परेचर लोअर होता है कम होता है उसी बॉडी को हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर T2 हमने दिख रहा होगा -15 डिग्री सेल्सियस है, इस बॉडी को हमें मेंटेन करना है, उसको टेम्परेचर क्या माना हुआ है T2, तो उसको मैंने ऊपर रख दिया हुआ है, नीचे वर्क डन रहता है। तो वर्क डन क्या होता है Q1 -Q2 होता है, तो इसको मैंने क्या रख दिया T1 -T2 टेम्परेचर के रूप में। यहाँ पर जो भी वैल्यू T1 और T2 की गिवन है उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और डायरेक्ट आंसर निकाल लिया 5.16। इस तरह हमने सीओपी निकाल लिए। अब निकालेंगे हम हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड कैसे निकालते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो हीट रिजेक्टेड कैसे निकालते हैं यहाँ पर देख रहे हैं, जो हम फॉर्मूला जानते हैं सीओपी का उसी से हम निकाल लेंगे, क्योंकि सीओपी ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सीओपी इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल सकते हैं, अपॉन होता है वर्क डन। तो हमने जहां से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किस रूप में कर रहा है Q2 के रूप में, तो Q2 हम कहाँ रखेंगे ऊपर रखेंगे, नीचे होगा वर्क डन। Q2 यहाँ पर गिवन है 2520 किलोजूल पर मिनट में, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, जबकि सीओपी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं उसको यहाँ पर सीओपी की जगह रख दिया। WR हमारे पास नहीं है तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जब WR हमें मतलब वर्क डन निकालना है तो इसको हम कहाँ इधर ले जाएंगे, इस वॉल्यू को हम वैल्यू को कहाँ नीचे लाएंगे, हमने यहाँ पर क्या किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब W इधर ले गया इसको इधर लाया, तो 2520 का बटन कितना आ गया 5.16 ही आ गया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे किसमें 5.16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 488.37 किलोजूल पर मिनट, क्योंकि हमने इसको क्यों को किस रूप में रखा किलोजूल पर मिनट के रूप में, तो
वही वाली यूनिट यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारे पास क्या आया, वर्क डन आया। अब वर्क डन के थ्रू हम हीट रिजेक्टेड कैसे निकालते हैं ये हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वन माइनस क्यू टू होता है। जहां हम जानते हैं क्यू वन को किस हीट में एटमोसफेयर में क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। जो भी हम क्यू टू के रूप में हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी बॉडी से, उसको क्यू वन के रूप में बाहर रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें क्यू वन यहाँ पर निकालना है, डब्ल्यू आर अभी जस्ट मैंने ऊपर निकाला हुआ उसको रख दिया, क्यू टू के बने उसको रख दिया। अब यहाँ पर हमें क्यू वन निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे तो एक ये जो माइनस वैल्यू एक कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वैल्यू और प्लस ए वैल्यू, इसको होगा इन दोनों को मैट कर देंगे तो 3008.37 किलो जूल पर मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, पर मिनट में। जबकि हमें हीट रिजेक्ट किसमें निकालना है, किलो जूल पर आवर्स में निकालना है। तो मिनट को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में। तो उसके लिए हमें 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो मिनट में हम अगर 60 का डिवाइड करेंगे तो कहाँ आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। तो उसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कहाँ डायरेक्ट थर्ड नंबर की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इसलिए डायरेक्ट 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट किसमें चेंज हो गया, आवर्स में चेंज हो गया। इस तरह इसको जो हमने फाइंड आउट किया तो कितना ये यहाँ पर वैल्यू आ गई है, किलो जूल पर आवर्स। इस तरह मैंने हीट रिजेक्टेड निकाल लिया और पावर ऊपर आपको निकाल चुका, ठीक है। पावर आपको याद नहीं तो जो वर्क डन निकाला वही क्या होती है, पावर के रूप में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। हमें कैसे निकालना पावर, उसको हमें मिनट में दिया लेकिन उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, उसको मैं सेकंड में चेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये जो हमने वर्क डन निकाला हुआ था इसको ध्यान से समझ लिया, यहाँ पर क्या लिखा, किलो जूल पर मिनट। अगर मिनट को हमें किसमें, सेकेंड में चेंज करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, मिनट की जगह 60 into सेकेंड हो जाएगा। तो 60 का डिवाइड कहाँ हो जाएगा, इसमें जो है ऊपर वैल्यू के उसमें डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट होता है। जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो किलो वाट में हमारी पावर निकल आएगी। यही क्या होती है पावर, इसको बस हमें मिनट को सेकंड में चेंज करना होता है तो हमारा पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। यदि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।